हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो पिछली वीडियो में हमने गॉस लॉ को डिस्कस किया था, उसकी मेरिट्स एंड डिसमेरिट्स डिस्कस की थी। ठीक है, आज उसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे कैसे हम गॉस लॉ को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो हमने फील्ड निकालनी है इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर की। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं मेरे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज मींस चार्ज जो है इक्वली स्प्रेड है। ठीक है, मेरे पास एक वायर है तो मैं इसके फील्ड निकालना चाहता हूं, तो मुझे गॉस लॉ पता है। ठीक है, गॉस लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स किसके इक्वल होगी क्लोज सर्फेस में, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सर्फेस। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी, E इन डॉट डी एस के। तो ये हमारे पास गॉस लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हमने देखना है कि हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको तीन स्टेप्स बताता हूं, अगर ये तीन स्टेप्स जो है वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये तीन स्टेप्स में कोई एक भी स्टेप मिस हो जाता है तो आप गॉस लॉ वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि आपने चूज करनी है कोई गॉसियन सरफेस। ठीक है, कोई एप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस चूज करनी है उस चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जैसी ज्योमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हो वैसे ही गॉसियन सरफेस की होती है। तो यहां पर वायर है तो वायर की ज्योमेट्री जो है सिलेंड्रिकल होती है, तो हमारी गॉसियन सरफेस की ज्योमेट्री जो भी वो भी सिलेंड्रिकल होगी। ठीक है, तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, हम इसे सेंटर मानेंगे और सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी आप कहोगे कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो हम सिलेंडर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग ड्रॉ करेंगे, नहीं, अगर हम इनफाइनाइटली लॉन्ग ड्रॉ करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइनाइट लेंथ का एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फाइनाइट लेंथ का मान लीजिए इसकी लेंथ जो है एल है और रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो मैंने फाइनाइट लेंथ का एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, जिसे मैंने गॉसियन सरफेस बोलता हूं, ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट है, तो फर्स्ट ये फॉलो करता है। ओके, सेकंड क्या है कि इसके क्लोज सरफेस में ई हर पॉइंट पे कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे, अभी देखिए, अब मैं कोई भी दो या तीन पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो मैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड पे खड़ा होके वायर को ऑब्जर्व करूं तो मुझे वायर एक सी दिखेगी। ठीक है, तो सेम व्यू आएगा चाहे मैं वन पे खड़ा हो जाऊं, चाहे टू पे खड़ा हो जाऊं, चाहे थ्री पे खड़ा हो जाऊं। ठीक है, जो व्यू आएगा मेरे पास वायर का वो सेम आएगा, क्योंकि अगर मैं वन पे खड़ा हो तो इधर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, यहां भी इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो व्यू सेम आएगा। अगर व्यू सेम आएगा तो मेरे पास जो चार्ज मुझे दिख रहा है वो भी सेम होगा। ठीक है, इसलिए ई कॉन्स्टेंट होगा हमेशा। ठीक है, तो ये वेरीफाइड है। तो थीटा जो है वो भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, किसी सर्फेस के लिए तो थीटा कॉन्स्टेंट है वो भी देखना पड़ेगा। अभी आप जो देख रहे हो उसमें आपको अपनी स्मार्टनेस यूज करनी पड़ेगी, आपको अपना इंटेलेक्ट दौड़ाना पड़ेगा कि कैसे मैं देखूं कि ई कांस्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिकली आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो फिर तो आपने पूरा सॉल्व भी कर दिया अगर मैथमेटिकली देख लिया तो आपने। ठीक है, तो अभी हमने थीटा देखना है कि कांस्टेंट है या नहीं है। तो अभी देखिए, मैं फिर से पॉइंट मानता हूं अपने, तो मैं इसके सामने वाले को ओरिजिन मान लेता हूं। ठीक है, ये भी ओरिजिन, ये भी ओरिजिन, ये भी ओरिजिन। तो मैं मानता हूं कि ओरिजिन से कुछ एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट है, तो अगर ओरिजिन के इधर एक्स डिस्टेंस पे एलिमेंट है तो इधर भी एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, तो यहां पे जो फील्ड लगेगी वो इधर होगी, इसकी इधर होगी। ठीक है, तो जो नेट फील्ड मेरे पास आएगी वो आएगी ये। ठीक है, तो हमारे पास जो ds वेक्टर है वो भी इधर है। क्यों इधर है, क्योंकि जो हमारे पास एरिया वेक्टर होता है वो नॉर्मल आउटवर्ड्स होता है। ठीक है,
ds वेक्टर इधर आ गया। अभी मैं वन पॉइंट पे फाइंड करना चाहता हूं, तो सेम ओरिजिन से x डिस्टेंस में मान लेता हूं, तो इधर भी हो गया x डिस्टेंस, ठीक है, तो सेम चीज आएगी मेरे पास, तो मेरे पास थीटा जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इससे मुझे पता चल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे आउटवर्ड जाती है, ठीक है, तो थीटा जो ds है वो भी आउटवर्ड है, तो थीटा जो है दोनों के बीच में वो जीरो है, मींस थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। तो मेरे पास तीनों जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं गॉस लॉ आराम से अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो अभी मैंने गॉस लॉ अप्लाई करना है सिर्फ, तो चलिए अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। तो मुझे बताया गया है कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो ये तो वायर इनफाइनाइट है ना, तो मैंने एक फाइनाइट सिलेंडर लिया है, तो फाइनाइट सिलेंडर में फाइनाइट चार्ज आएगा, ठीक है, तो कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर लीनियर चार्ज हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है ना वायर, इक्वल चार्ज है हर किसी पोर्शन पे, ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ में चार्ज जो है वो हर किसी में इक्वल होगा, चाहे मैं एक यूनिट यहां से पकड़ू, यहां से पकड़ू, यहां से पकड़ू, ठीक है। तो मेरे पास Q क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी मेरे पास मैंने इंटेग्रल सॉल्व करनी है, तो मेरे पास तीन सर्फेसिज हैं, तीन क्लोज सर्फेसिज हैं, ठीक है, तो पहला कर्व सरफेस, अगर मैं इसे सिलेंडर मानूं तो ये कर्व सरफेस पहला सरफेस, दूसरा इसके नीचे वाला और तीसरा इसके ऊपर वाला, अगर मैं ऐसे पूरा इसको सिलेंडर बनाऊं तो ये ऊपर वाला कर्व सरफेस और नीचे वाला, ठीक है, तो मैं तीन सर्फेसिस मान लेता हूं, तो इन इस इंटेग्रल को तीन सर्फेसिस में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। सो ई डी एस, अभी ये मैंने माना है कर्व सरफेस, ठीक है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस में जो एंगल है वो जीरो है, तो कॉस जीरो मान लेता हूं, ठीक है। एस टू, सेकेंड सरफेस मैंने डाउन वाला माना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर है, आउटवर्ड्स, ठीक है, यहां पे एरिया वेक्टर किधर है, डीएस नीचे है ना, क्योंकि ये एरिया इधर है नीचे, तो आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल नीचे आएगा ना, सो इसमें एंगल कितना है 90, सो कॉस 90 प्लस ऊपर वाले में भी कुछ ऐसा ही होगा, एस थ्री सरफेस में ई डी एस कॉस 90, तो कॉस 90, कॉस 90 जीरो होते हैं, तो मेरे पास बचा क्या, ये वाला, सो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, ई कांस्टेंट है हर जगह, तो ई मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा अंदर, डी एस आ जाएगा अकेला, ठीक है। तो ये इंटेग्रल को सॉल्व करूं, इसका मतलब क्या है कि पूरा सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर एल, ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया, एल से मैं एल कट कर दूंगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है, हर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, ओके। तो आपको पता चला कैसे निकालना है, ये जो मैंने तीन पॉइंट्स बताए थे गॉस लॉ के वैलिडिटी के, वो आपने जरूर फॉलो करने हैं, ठीक है, अगर वो फॉलो ना किए तो सीधा आपने सिलेंडर का लगा दिया, तो जरूरी नहीं है कि गॉस लॉ फॉलो होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए कि जो अभी वायर है वो इनफाइनाइट वायर नहीं है, ठीक है, जो वायर है वो फाइनाइट वायर है, तो आपको पता है, आपने सुन रखा है कि वायर हो तो सिलेंडर लेते हैं, तो आपने सिलेंडर ले लिया, ठीक है, तो आपने यहां पे गॉस लॉ अप्लाई कर दिया, फील्ड निकाल ली, फील्ड सेम आ गई, तो पहले देखो तो सही, यहां पे गॉस लॉ अप्लाई होता है, यहां पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, देखिए अभी अगर मैं यहां पर पॉइंट मान लूं और एक यहां पर पॉइंट मान लूं, तो वन पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं या टू पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं, तो दोनों का व्यू सेम नहीं होगा, ठीक है, अगर टू पे खड़ा हूं तो मुझे ये व्यू दिखेगा, ठीक है, अगर वन पे खड़ा हूं तो मुझे
सिर्फ इतना व्यू दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको निकाल के बताता हूं, इस टू पॉइंट के पे फील्ड जो है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहां इस एज पे निकालूं फील्ड, अगर इस एज पे निकालता हूं तो इधर ही आती है, ठीक है। अगर इस एज पे निकालता हूं फील्ड, तो मेरे पास फील्ड जो आएगी वो किधर आएगी, इस पॉजिटिव के चार्ज के कारण इधर, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लगती है मुझे इधर, तो बाकी बीच बीच में लगेगी, तो नेट रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा मेरे पास, ठीक है। तो डीएस मेरे पास किधर है, डीएस इधर है, ठीक है। तो यहां पर थीटा एंगल हो गया, यहां पर जीरो एंगल है, यहां पर थीटा जीरो है, यहां पर कुछ वैल्यू है, तो थीटा वेरी कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी वेरी कर रही है, तो यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको यह छोटे क्वेश्चनों में आ सकता है कि फाइनाइट वायर में गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है वो तीन वैलिडिटी वाले पॉइंट्स का, ठीक है, तभी गॉस लॉ अप्लाई होगा। अगर तीन वैलिडिटी वाले पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई करता है कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज, ठीक है। ऐसे आप नहीं लगा सकते, अगर ऐसे लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, सेकंड